यशोमति मैया के नंदलाला। देखो बाबा, जो दे रही हूँ उसे आप स्वीकार करो। मेरा लल्ला अभी बहुत नन्हा है, आपकी जब भेषभूषा से भयभीत हो जाएगा। पर मैया, मैं तो आपके लल्ला को आशीर्वाद देने आया हूँ। यादव कुल के सभी बच्चों को मैं दूध पिलाती हूँ ताकि उनको मेरे समान दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिल पाए। कुछ दिन पूर्व भी एक स्त्री आई थी आशीर्वाद देने, राक्षसी निकली वो, और जब आप अनोखी वेशभूषा में आए हो, राम जाने आप कौन हो ना। अब मैं अपने लल्ला को और संकट में ना डाल सकती। महाविशैले शेषनाग की शैया पर विश्राम करने वाले, महाघातक सर्पों को एक सांस में निकलने वाले, गरुड़ की सवारी करने वाले, पूरे संसार की रक्षा करने वाले पर कैसा संकट मैया? क्या कर रहे हो सखा, मेरा भेद मत खोलो। चे, किसकी चर्चा कर रहे हो आप? श्री नारायण की, श्री नारायण की। पर क्यों, बात मेरे लल्ला की चल रही है और आप कहां श्री नारायण पर चले गए? आप बहुत विचित्र बातें कर रहे हो बाबा, अब तो बिल्कुल ना मिलने दूंगी अपने लल्ला से। बस एक बार मैया। बाबा मैंने कही ना, ना का अर्थ ना। आप सच्ची में बहुत भोले हो भोले शंकर, मैया को मनाना भी नहीं आता आपको। बस मैया, बहुत हुई आपकी हट, अब आप इस जोगी की हट देखोगी। अब मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आपके लल्ला को जी भर कर निहार नहीं लेता। मत जाओ। मैं यहीं आपके द्वार पर बैठ जाऊंगा मैया। हाँ बाबा बैठ जाओ, जितना समय मन करे उतने समय तक बैठो आप, किंतु मेरे लल्ला को ना देख पाओगे। मैया, आप मुझे पहचानती नहीं है। मैं 10,000 वर्षों तक समाधि में बैठ सकता हूँ। जब आपका लल्ला बड़ा हो जाएगा, उस पर आपका कोई अंकुश नहीं रहेगा, तब मिलूंगा उससे, पर बिना मिले लौटूंगा नहीं। सखा, इतना आसान नहीं है मेरी मैया से जीत पाना। आप 10,000 वर्षों तक बैठ सकते हो तो मैं भी 20,000 वर्षों तक जे द्वार बंद रख सकती हूँ। पीछे का द्वार खोल दूंगी, मेरा लल्ला खेलने जाएगो आ जाएगो, किंतु आपसे ना मिलने दूंगी। आप होंगे बड़े हटी, किंतु मैं भी मैया हूं। एक मैया के हट को पहचानते तो जे ऐसी चुनौती ना देते आप। लो कर लो बात, अब क्या करोगे भोलेनाथ? तो अब यही निश्चित हुआ, मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक आपके पुत्र से भेंट नहीं कर लेता। मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक आपके पुत्र से भेंट नहीं कर लेता। कल्प के बड़े पक्के हैं जी बाबा। वासी की हट देखो अब जोगी बोले, द्वारे आसन जमा करूं तब बम बम भोले। ओ द्वारे आसन जमा करूं तब बम बम भोले। प्रभु, बड़ी दृढ़ निश्चयी है आपकी मैया।
राम राम। मिलने दो ना मैया। संकेत को समझो मैया, मैं भी उनसे भेंट के लिए आकुल हूँ। जे बाबा ने तो अति ही कर दी। मैया मान गई। चेष्टा भी मत करना। मैंने क्या किया? मैया को चकमा देना आसान नहीं है। अब क्या करूं मैं? एक ओर मेरी सुरक्षा को तत्पर मैया है, तो दूसरी ओर है मेरे दर्शन को उतावले महादेव। ऐसे ही कोई भी मिलने चला आएगा तो क्या तेरी मैया मिलने देगी? और दर्शन ना, जे तो तुझे गोद में उठाना चाहते हैं लल्ला। हाँ नहीं तो मैं भी उनकी गोद में जाना चाहता हूँ मैया। अब मान जाओ ना, कृपा कर दो ना महादेव पर। कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। हे नारायण, ममता और सुरक्षा के भाव के सामने कृपा का भाव हार रहा है। मुझे भय है कि मैया आपके दर्शन करवाने की दया मुझ पर नहीं करेंगी। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, मनाइए अपनी मैया को। मैया अब तो बहुत देर हो गई, अब तो अपनी हट छोड़ दो ना, नहीं तो मेरे पास बस एक ही उपाय बचेगा। हाँ? क्या हुआ लल्ला? क्या हुआ यशोदा, नीलमणि रो क्यों रहा है? पता ना जीजी, कहीं से भूख तो ना लगी। लगता है मेरी तरह आप भी मुझसे भेंट के लिए व्याकुल है नारायण। सो जा लल्ला, मेरा प्यारा लल्ला, प्यारा लल्ला, सो जा लल्ला। क्या होगा? हाँ जी, देख जी, देख जी, देख घोड़ा घोड़ा। सो जा लल्ला जी जी, इसको क्या होगा? वह नीलमणि, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या हुआ यशोदा, ये लल्ला क्यों रो रहा है? देखो ना जी, जो चुप ही ना हो रहा है। हाँ लाओ, मुझे दो। लो
क्या हुआ मेरे लल्ला को? मैं इसे तनिक बाहर भ्रमण करा कर लातो। ना ना, बाहर ना। अरे पर हो सकता है ना लल्ला का मन हो बाहर भ्रमण करने का? जे लल्ला ने बताओ आपको, हाँ? मैंने कही ना बाहर ना घुमाना। पालना उत्सव वाली भूल फिर से ना दोहरा सकती मैं। कौन सी भूल? नंद भैया, लगता है आपने बाहर उन जोगी बाबा को नहीं देखा है। कौन है जे बाबा? अरे जे बहुत हट्टी बाबा हैं। इनकी कहीं ना मानी तो हट ठान के द्वार के आगे बैठ गए। लाओ, लाओ, लाओ। हो सकता है नील मणि इन्हीं के कारण रो रहा हो। जे क्या कह रहे हो जी? नन्हे बालक ईश्वर स्वरूप होते हैं। इन बाबा की इच्छा पूरी ना करके हम इन्हें दुखी कर रहे हैं। हो सकता है नीलमणि उन्हीं के दुख से दुखी हो रहा हो। जे कैसे संभव है जीजी? यशोदा गोकुल का राजकुमार है जे। गोकुल के होने वाले राजा से मिलने की इच्छा लेकर आने वाले लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं भला? देखो जी, सोचना भी मत। इन बाबा ने मुझे चुनौती दियो है, मैं इनसे हार ना सकती। अरे जी, कोई चुनौती की बात है क्या यशोदा? तुम्हारे इस हट के कारण क्या संदेश जाएगा गोकुल में? अरे मैं गोप नरेश हूं, अपने प्रजा की इच्छा का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। और जे बाबा भी राक्षस निकले तो? इतनी शीघ्र भूल गए क्या हुआ था हमारे लल्ला के साथ? क्षण भर के लिए देखो बाबा को, पर मन को एक अलग सी शांति का अनुभव हो रहा है। अवश्य ही कोई सिद्ध बाबा है जी। देखो कैसे राम नाम का जप कर रहे। कोई राक्षस ऐसा करेगा भला? बस निर्णय हो गया, अब इस विषय में कोई बात ना होगी। अरे यशोदा, मैं समझ सकती हूँ तुम अपने पुत्र की सुरक्षा कर रही हो, पर यह भी तो हो सकता है कि वो बाबा सत्य में दिव्य हो। अच्छा सुनो, यदि उनके आशीर्वाद से नीलमणि चुप हो जाता है तो ही देना तुम उसे उनके गोद में, ठीक है? चुप रहना। बाबा आइए। यशोदा माँ
भाग हुए शिव जी के नीलमणि की झलक जो पाई रूप अलौकिक इतना प्रभु का सबका ही मन मोहले से भजन हरि के बोले दर्शन करने आए भोले जोगी वाले पहन के चोले दर्शन करने आए भोले नीलमणि को गोद में भर के तृप्त हुए प्रभु सखा से मिलके भाव अनंत जो उड़े मन में नैनों से अश्रु बन के छलके सृष्टि ने भी इंद्रधनुष के सतरंगी रंग घोले से भजन हरि के बोले दर्शन करने आए भोले जोगी वाले पहन के चोले दर्शन करने आए भोले इतने लंबे समय से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु सदैव से आपका अनुसरण किया है मैंने सत्य तो यह है कि संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त मैं हूं प्रभु और मैं हूं अपने भक्तों का दास समस्त संसार के लिए ईश्वर हूं मैं पर अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं बाध्य हूं सखा जिस प्रकार आप देवों के देव हैं उसी प्रकार मैं अपने भक्तों का भक्त हूं तभी तो विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है और शिव ही विष्णु और शिव ही विष्णु है शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णु विष्णु शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुस्य हृदयं शिव बाबा आप जैसे टकटकी लगाकर देख रहे हो मेरे लल्ला को दृष्टि लग जाएगी जिसकी दृष्टि उतारने वाली ऐसी मैया हो उसे किसी की दृष्टि कैसे लग सकती है भला ए, ए। लीजिए संभालिए अपने लल्ला को क्षमा करना बाबा आपको बहुत कष्टी हो क्षमा का कोई कारण नहीं है आप तो बस मैया होने का धर्म निभा रही थी नीलमणि धन्य किसे आप जैसी मैया मिले सत्य वचन सखा सत्य वचन मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मेरे छोटे से मित्र को मां की वो ममता मिली है
जिसके लिए सदैव से तरसता था। ना 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 सखा, क्या कर रहे हो? भेद खोलने के पीछे क्यों पड़े हो आप? जैसे एक माँ तड़पती है अपने पुत्र के स्नेह के लिए, वैसे ही एक पुत्र भी तरसता है अपनी माँ की ममता के लिए। फिर चाहे वो कोई साधारण बालक हो या स्वयं नारायण का अवतार। बाबा आप कितनी अच्छी बात कह रहे हो, हृदय प्रसन्न होगा। आपके लिए कछु लाऊं? बस दर्शन मिल जाए तो लौटते समय यशोदा मैया के हाथ का माखन अवश्य ले आइएगा मेरे लिए। बस आपके शुभ हाथों से बने माखन की मटकी दे दीजिए मैया, मेरा सारा संसार उसी में समा जाएगा। अवश्य, अभी लाई लो जी। जी लीजिए बाबा। आप सब प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, आपके घर पर धन धान्य, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव ऐसे बरसे जैसे सावन के मेघ। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।